हेलो गाइस, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपना घर के लिए एक बेड बनवाया है जिसका डायमेंशन है 6x5। और मैं उसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ कि वो कितने में पड़ा आपको, कितने में पड़ेगा अगर आप घर में बनवाते हैं तो, और अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो कितना महंगा होता है। तो मैंने बाहर भी काफ़ी कुछ सर्च किया और कई बेड्स मैंने बाहर भी देखे जो कि मेरे पॉकेट को अलाउ नहीं करते थे। जो चीज़ मुझे पसंद आता था वो चीज़ बहुत महंगा था, और जो चीज़ थोड़ा चीप रेट में थे वो मुझे पसंद नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक बेड ही बनवा लेता हूँ कारपेंटर को बुला के। तो कारपेंटर को मैंने बुलाया और सारी डिटेल्स उनसे मैंने लिया, क्या कुछ लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ये वो सब कुछ दुनियादारी। तो वही डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस आप बाज़ार से नहीं बेड परचेज़ करना चाहते और घर में बनवाना चाहते हो तो वो कितने में बन जाएगा, तो उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको, तो वो आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले कारपेंटर ने जो मुझे बताया था वो ये बताया था कि इसमें 6 प्लाई लगेगा और 6x4 की 6 प्लाई लगेगी, और इसमें लगेगा 2 सनमाइका का पीस, क्योंकि मैंने सनमाइका लगवाया है साइडों में और हेड साइड और लेग साइड में, तो 2 पीस सनमाइका का लगेगा। ये सनमाइका का पीस आया था 800 रुपये का, और 6 प्लाई जो थी 6x4 की वो 8000 का आया। 2x2 की लकड़ी आई थी जो 250 की आई थी, जो सपोर्ट बनता है बीच में, बेड के बीच में लगता है वो, और 1 kg कील का बताया 160 का। ये सारा प्राइस में भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना लगा था। 1 kg फेविकोल आया था 350 का, और बीडिंग आया था 400 रुपये का जो किनारे किनारे सब लगता है वो सब। फाइनल जो आखिर इसकी ये पार्ट वन वीडियो है, जो पार्ट टू फाइनल वाला दिखाऊंगा उसमें सारा बता दूंगा आपको मैं। 2 कब्जा आया था 6 फुट का 200 रुपये का, और 4 कब्जा आया था बॉक्स उठाने वाला वो 150 का, और 400 रुपये किराया लगा था जो प्लाई लेके आया था मेरे घर तक। तो इतना सामान तो लग गया, 40-50 रुपये का और सामान लगा, जो छोटी छोटी कीलें आती हैं लगाने के लिए वो भी 40-50 रुपये की लगी होंगी आई थिंक इतना ही। और कारपेंटर ने कितना पैसा लिया ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, फाइनल वाले भी, फाइनल जब बेड का आपको दिखाऊंगा तब बताऊंगा कि उसका कितना कारपेंटर ने लिया और कितना टोटल खर्चा हो जाता है इस बेड को बनवाने में। तो घर में जो बेड बनवाएंगे वो कितना ज़बरदस्त बनेगा, कितना मज़बूत बनेगा। तो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो आप भी बनवा सकते हैं इस तरह का। थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाती है, खर्चा पानी क्या, ये इधर उधर ये लाना वो लाना ये सारी चीज़ें, बाकी तो घर में मुझे लगता है बेस्ट बनता है बाहर के अकॉर्डिंग। बट जो बाहर परचेज़ करना चाहते हैं बाहर परचेज़ कर सकते हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, और आप देखते रहना पूरी पूरी वीडियो को देखना इसका कितना बढ़िया बनेगा ये। अभी इसका बॉक्स जोड़ रहे हैं ये, और बहुत एक्सपर्ट हैं ये जो कारपेंटर हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं, इतने फटाफट मतलब एक दिन में इन्होंने तैयार कर दिया, ये 2 बंदे लगे हैं और एक दिन में पूरा तैयार कर दिया बेड, ये सनमाइका लगाने के समेत सब कुछ आए परफेक्ट। तो फाइनल इसकी पिक्चर में दिखाऊंगा आपको कल, या कल की वीडियो में दिखाऊंगा वो आप देखना और फिर बताना कि कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर देना। और ये भी बताना कि बेड कैसा है, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल और एलिगेंट चाहिए था, ज़्यादा वो तड़क भड़क वाला पसंद नहीं आता। तो आप देखते रहना अभी किस तरह जोड़ा है इन्होंने, और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने सनमाइका लगवाया है जो दोनों साइडें होती हैं यहाँ पे, और ऑल बॉक्स तो ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया अब। ये बॉक्स तैयार हो गया कंप्लीट, अब इसके बीच में एक सपोर्ट लगाएंगे लकड़ी का जो कि 250 रुपये का आया था और उसमें थोड़ा बच भी गया था लकड़ी। ये सपोर्ट होता है ये जो लगा रहे हैं अभी, इसी को बीच में लगाएंगे, इसके ऊपर फिर प्लाई लगा देंगे और बन जाएगा बॉक्स। तो इसको अगर पेंट कराना चाहते हैं पेंट करवा लीजिए, अगर इसके अंदर भी सनमाइका लगवाना चाहते हैं तो उसमें सनमाइका भी लगवा सकते हैं आप, दोनों बेस्ट है, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। बट मैं इसमें पेंट कराऊंगा और पॉलिश कराऊंगा, 600-700 रुपये का खर्चा पेंट का आ जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो टोटल खर्चा मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में,
जो इसका अगला पार्ट फाइनल वाला पार्ट दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं आपको। ये इसको नाप के फिर कट करेंगे इसमें। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वो देखने में फिर मज़ा भी नहीं आता, बड़ा थोड़ा बोर लगता है। अब ये कट हो गया, यहाँ पे एक बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और इसके बीच में जो लकड़ी लगाएंगे ना बॉक्स का, ये प्लाई उठाने वाला, ये बहुत अच्छा है। एक हाइड्रोलिक होता है, एक ये थोड़ा सा, ये थोड़ा देसी टाइप का होता है। ये देखिए ये बहुत मजबूत होता है। हाइड्रोलिक तो कभी ख़राब भी हो सकता है, ये ख़राब नहीं होता कभी भी। ये सिर्फ टूटेगा तब ख़राब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हाइड्रोलिक की कॉस्ट भी ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें ये वाला कब्जा 6 फुट का आता है, ये पूरा स्टील का, ये लगाया। बहुत फास्ट काम करते हैं लोग, प्रोफेशनल। ऑलमोस्ट कब्जा लग गया।